जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के। अच्छा, आज इस वीडियो में एक्सेल रियलिटी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया है। क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में अब आने वाले दिनों में क्या हलचल हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप कितने समय तक के लिए इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी है तो कोई नया व्यक्ति कहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिटेल्स ले लें तो आपको पता है कि इस कंपनी ने इस साल खूब पैसा बनाकर दिया है अपने निवेशकों को। पिछले 6 मंथ का यहाँ पे डाटा आप देखेंगे, पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 50% यानी कि लगभग डबल कर दिया अपने पैसों को। पिछले 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में था। और मैंने एक स्क्रीनर की वेबसाइट पर भी आपको कई बार दिखाया है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, एक ही रेंज में कई दिनों से ट्रेड कर रहा होता है, तो जब उसे बाहर निकालते तो प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर बहुत ऊपर जाता है। इतना ऊपर गया कि लगभग प्राइस जो इन्वेस्टर्स थे उनके पैसों को डबल कर दिया। यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ तक गया और अभी देखेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। और फिर जब इससे बाहर निकले, फिर जितना लंबा इसमें समय बिताया है लगभग उतना ही लंबा ऊपर जाने का दमखम रखता है, फिर एक नया हाई यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो है इस स्टॉक में। और चूंकि जिस सेक्टर का स्टॉक है, जो कंपनी का काम धाम है, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम समझते हैं तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके सेक्टर के हिसाब से भी कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहने की बने रहने की संभावना है। ओवरऑल हर एक प्रकार से एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक नजर आता है। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, साथ में जो कंपनी के क्वार्टर नंबर आए हैं उसको भी लेके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे और मिल सकती है। बीएससी की वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सेल रियलिटी इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है अभी ईएसएम स्टेज 1 में है। हालांकि मैं कई बार कहता हूं पेनी स्टॉक जो होते हैं ज्यादातर वो ईएसएम एसएम जैसे कैटेगरी में देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि यदि स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है, मैनेजमेंट से ये, तो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 जैसे जो ये कैटेगरी है कोई इसके लिए मायने नहीं रखता। मेन चीज है कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी का ग्रोथ इसमें हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अभी हाल के दिनों में इसमें लोअर सर्किट लगा था, लेकिन चूंकि अब कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ गए हैं तो अब संभावना है कि कंपनी में अपर सर्किट आपको जल्दी लगते हुए दिखे। और जब अपर सर्किट लगता है तो आप सभी जानते हैं कि प्राइस क्या होता है, प्राइस कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को विस्तार से समझते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी है, आपको यदि कामकाज करने के बारे में बताएं तो कंपनी आईटी इनेबल्ड और बीपीओ सर्विसेज जैसी सुविधाएं देती है। आईटी इनेबल्ड मतलब एक तो इसका जो मेन कमाई होता है आईटी की सर्विसेज देती है, उससे कमाई होता है। थोड़ी बहुत कमाई कंपनी के बीपीओ सर्विस से भी होती है, बीपीओ सर्विस यानी कॉल सेंटर। अब देखिए जितने भी बड़े बड़े आईटी रिलेटेड कंपनी है, चाहे आईबीएम हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, सभी बीपीओ की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये इनका एक कह सकते हैं कि जुगाड़ वाला काम होता है, साइड इनकम होता है इसे बीपीओ से, इसलिए आईटी कंपनी जो है बीपीओ खोल लेती है, क्योंकि इनके लिए बीपीओ चलाना थोड़ा इजी होता है आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि ज्यादातर आईटी का ही काम होता है और उसमें कॉल सेंटर बैठा देते हैं, इजीली काम होता रहता है और पैसा भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है बीपीओ सर्विस बैठाने से। तो इनके कमाई का मेन जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो आईटी कंपनी है, आईटी का सेक्टर है, उसके अलावा बीपीओ सेक्टर, और तीसरा कंपनी नॉर्मल ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है। तो देखिए इसके इनकम के सोर्स बहुत सारे हैं और जितने भी सोर्स हैं सभी जेन्युइन हैं और इसका डिमांड जिस सेक्टर में कंपनी जुड़ी हुई है फ्यूचर में भी बने रहने के चांसेस हैं। तो एक तो बात स्पष्ट हो गई, कंपनी काम के बेसिस पे भी लॉन्ग टर्म में रन करेगी करेगी। प्लस कंपनी के जब फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा है, तो हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि इजिली कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। स्टॉक का पीई यहाँ पे आपको काफी महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जिस सेक्टर का, जिस स्टॉक का डिमांड रहेगा उसका पीई महंगा रहेगा ही रहेगा। अब आपको इसके लिए चार्ट पर लेवल दिखाऊंगा मैं कि किस लेवल पर आप यदि नया बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुक वैल्यू काफी कम है, बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, जैसा कि होना चाहिए। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो ये माइनस में है, ये सुकून देने वाली खबर है। अब आइए मेन यहाँ पे पहले चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक साल के चार्ट पर जैसे मैंने वहां पे दिखाया था आपको कि अभी स्टॉक किस रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज से जब इसका ब्रेकआउट होगा, चलिए एक स्टेप और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में स्टॉक अभी घूम रहा है और जब इसे बाहर निकलेगा तब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर ही जाएगा, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। पहले क्या था कि इस रेंज में था, इससे एक स्टेप ऊपर निकला, इस रेंज में आ गया, फिर इससे एक स्टेप ऊपर निकला, अब इस रेंज में आया, फिर इससे एक स्टेप ऊपर निकलेगा और एक नया
बनाना, ऊपर जाके कौन से रेंज बनाएगा, तो आपको तो फायदा ही हो रहा है कि ओवरऑल स्टॉक का प्राइस क्या कहा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जिससे मैंने बताया कि हर एक चीज कंपनी में जिस तरह काम काज और माहौल है, शेयर प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो बस आपको करना क्या है कि नया व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब 90 पैसा के ऊपर प्राइस निकलेगा वहां पर एंट्री लीजिएगा, अभी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी हो सकता है कि प्राइस इसी रेंज में समय बिताए और हो सकता है कि फिर से इसी रेंज में आ जाए घूम फिर के, इसलिए जब प्राइस ऊपर निकले तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा। और जब ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो बहुत कम समय में अच्छा खासा आपको पैसा बनाने का मौका मिल जाता है। बाकी किसी को यदि एवरेजिंग करना है तो एवरेजिंग मत कीजिएगा, हाँ प्रॉफिट बुक करना चाहे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए इस स्टॉक में चल सकते हैं। बाकी क्वार्टर्स के नंबर यहाँ पे आप देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर्स के नंबर में जिसमें बताया कंपनी का सेल्स मार्च जून क्वार्टर रिजल्ट आया, थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, 55 लाख के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 17 लाख के आसपास हुआ था, उसके पिछले क्वार्टर में सिर्फ 42 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी 55 लाख के कंपनी प्रॉफिट में है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो यहाँ पे देखेंगे बोरो यानी कि जो डेप्ट है, डेप्ट देखिए यहाँ पे कम होते हुए दिखा है, और जो रिजर्व पैसा होता है फ्री कैश फ्लो वो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है उससे कंपनी बिल्कुल सही काम कर रही है। जो कंपनी के पास कर्जा होता है उस कर्जे को कंपनी कम कर रही है, साथ में अपना जो रिजर्व कॉस्ट होता है उसको कंपनी बढ़ा रही है, यानी कि ये दर्शाता है कंपनी का जो मैनेजमेंट है बिल्कुल सही काम कर रहा है, एकदम मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पे कंपनी के काम धाम को कैसे चलाना चाहिए उस पर बिल्कुल सही पकड़ है। तो अगर ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट है तो कुछ गलत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट था मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की बताने की पूरी कोशिश की है, अगर लगता है कुछ छूट गया है तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ के इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।